हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तैकुक फैन फिक्शन माय म्यूट हस्बैंड का पार्ट 55 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जिमिन योंगी को राइड्स पर चढ़ने के लिए कहता है, लेकिन योंगी राइड्स पर चढ़ने के लिए राजी नहीं हो रहा था। जिमिन फिर भी उसे फोर्स करने लगता है। तभी लिटिल तेसिया अपने बेबी लैंग्वेज में कहती है, अंकल आर यू अफेयर्ड। योंगी तेसिया के लिटिल हेड लाइटली रब करते हुए सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, मैं यहाँ तुम लोगों को पार्क में खेलते हुए देखने आया हूँ। योंगी एक कहते टाइम अपने साइड में देखता है। तेसिया योंगी के बहुत क्लोज खड़ी थी। तेसिया योंगी की तरफ देखती है और अपने बड़ी बड़ी क्लियर आँखें क्यूटली ब्लिंक करने लगती हैं और फिर कस कर अपने माउथ को क्लोज कर लेती हैं। योंगी तेसिया के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और उसके लिटिल हैंड को अपने हाथों के बीच में होल्ड करके कहता है, डू यू मिस योर अंकल लिटिल गर्ल। तेसिया और कुछ नहीं कह रहा था, वो बस कंटिन्यू योंगी की तरफ देख रही थी। योंगी उसे अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है और फिर से कहता है, तेसिया डिड यू जस्ट स्पीक, क्या तुमने अभी अभी मुझसे बात की है। तेसिया फिर से बात करना स्टॉप कर सिर्फ टुक टुक योंगी को देख रही थी। तभी आयान वहां आकर कहता है, अंकल आपने गलत सुना होगा, तेसिया बात नहीं करती है। अभी आपके पूछने पर भी वो एक वर्ड नहीं बोलेगी, वो तभी बात करती है जब उसे मन करती है। योंगी तेसिया और आयान के साथ बात कर ही रहा था, तभी वह बाकी के लोग भी आ जाता है। तैयंग कहता है, प्रिंसेस क्या तुम्हें भूख लगी है। जिमिन कहता है, चलो एक अच्छी सी रेस्टोरेंट में जाकर सब साथ में खाना खाते हैं। पूरे दिन पार्क में घूमने फिरने के बाद तेसिया और ट्विंस बहुत ज़्यादा थक गए थे। तेसिया जोंगकुक के आर्म्स में सो गई। जाद और लिवन भी जोंगकुक से चिपक कर बैठे थे, उन दोनों के पलके भी हेवी हो गया है। जिमिन खाना खाते हुए कहता है, जात और लिवान के लिए जोंगकुक गॉडफादर हैं। ट्विंस एक साथ कहता है, गॉडफादर क्या होता है मम्मा। जिमिन कहता है, नथिंग, चुपचाप दूध फिनिश करो, घर चलकर पैकिंग भी ख़त्म करना होगा। योंगी कहता है, सच में जोंगकुक अगर नहीं होता तो जिम के लिए एक साथ दो दो बच्चे का ख्याल रखना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता। जब हमें पता चला कि जिम प्रेग्नेंट है, जिम जब प्रेग्नेंट था तब जिम के टमी बहुत ज़्यादा बिग हो गया था, लेकिन हम दोनों में से किसी को भी पता नहीं था। हमारे घर दो दो बेबीज आने वाला है। मैं जिम के बिग टमीज को देखकर बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी। जोंगकुक आयान को फिट कराते हुए कहता है, दाद और लिवन वो दोनों मेरे लिए तेसिया और आयान के जैसा ही है, मैं अपने बेबी से दूर नहीं रह सकता, ये दोनों मेरा जान है। अगर मैं अभी अपने बच्चों और हस्बैंड के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा हूँ तो ये इन दोनों के वजह से हुआ है। तैयंग अपने हैंड रेस कर टाइटली जोंगकुक के हैंड होल्ड कर लेता है। योंगी कहता है, अच्छा चलो साथ में एक सेल्फी लेते हैं मेमोरी के तौर पर। दूसरी तरफ शाओजन मिरर के सामने बैठा हुआ था और वो अभी भी ख्यालों में बिजी था। कभी वो इस दिन का सपना देखा करता था और आज उसका एक ड्रीम फुलफिल होने जा रहा है। शाओजन के दिमाग में एक साथ बहुत सारे थॉट चल रहे थे। फोन की घंटी से शाओजन के ख्यालों में ब्रेक लग जाता है। शाओजन कॉल पिक करते ही फोन की दूसरी साइड से ईबो कहता है, क्या तुम तैयार हो। रान कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ ईबो। ईबो हम कहाँ मिल रहे हैं, तुमने अभी तक लोकेशन सेंड नहीं किया। ईबो कहता है, बाहर आओ, मैं बाहर कार में तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। शाओजन कहता है, व्हाट तुम मेरे घर के बाहर हो अभी। ईबो सिर्फ हूँ मैं जवाब देता है। ईबो कहता है, बाहर आ जाओ और हाँ ध्यान से आना, भागने की ज़रूरत नहीं है। शाओजन कॉल काट कर खुद को मिरर में देखकर बार बार चेक करने लगता है, क्योंकि वो मूवी डेट पर आज सबसे अच्छा देखना चाहता था और ईबो पर अच्छा इम्प्रेशन जमाना चाहता था।
शाहजान गेट से बाहर आकर ईबो को कार के बाहर खड़े देखकर ब्लश करने लगता है, क्योंकि ईबो सूट में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। जान का दिल जोर जोर से धड़क रहा है और उसे बहुत नर्वसनेस भी फील हो रहा है। ईबो चलकर जान के सामने आकर हाथ आगे करके कहता है, लेट्स गो। शाहजान स्माइल कर ईबो के हाथ में हाथ रखकर उसके साथ कार में आकर बैठ जाता है। होल राइड दोनों में से कोई भी बात नहीं कर रहा था, लेकिन ईबो आंखों के कॉर्नर से बार बार जान को ही देख रहा था। कुछ देर बाद ईबो और जान अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। गार्ड कार डोर ओपन करते ही ईबो कार से निकालकर जान के तरफ आ जाता है और खुद उसके लिए कार की डोर ओपन करता है। जान ईबो के हाथ पकड़कर बाहर आ जाता है। ईबो कहता है, रिलैक्स हो जाओ। जान आसपास के व्यू देखकर शॉक हो जाता है। शाहजान कहता है, ईबो ये सब क्या है? ईबो कहता है, चलो अंदर चलते हैं। जान अब इरिटेट हो रहा था। जान इरिटेट होकर मन ही मन कहता है, इससे कुछ भी पूछने का कोई फायदा नहीं है। मुझे तो लगता है उसके पेट में बॉम्ब फिट करने के बाद भी कुछ नहीं बोलेगा, आखरू कहेगा। ईबो कहता है, क्या तुमने कुछ कहा? जान कहता है, नहीं। ईबो जान के हाथ पकड़ कर उसे लेकर ह्यूज रेस्टोरेंट में आ जाता है। ओपन प्लेस, वो भी समंदर के नज़दीक। लहरों की आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रहा था, लेकिन हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। जान कुछ कहता इससे पहले सारे लाइट्स ऑन हो जाता है। रेस्टोरेंट के डेकोरेशन देखकर जान का माउथ ओपन हो जाता है। जान कहता है, ईबो तुम तो मुझे मूवी डेट पर ले जाने वाले थे ना, लेकिन ये तो मूवी थिएटर नहीं है। जान जैसे ही पीछे की ओर टर्न होता है, शाहजान ईबो को अपने सामने घुटनों पर बैठा हुआ देखकर स्टन रह जाता है। दूसरे तरफ अचानक तैयंग की तबीयत खराब होने लगता है, लेकिन तैयंग इसे सबसे हाइड करने लगता है। जान को कहता है, तेई क्या तुम ठीक हो? तुम बहुत अनकंफर्टेबल दिखाई दे रहे हो। तैयंग कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। जंकुक कहता है, आर यू श्योर कि तुम ठीक हो? तैयंग कहता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन अचानक बैक में बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे तैयंग के मुंह से आह निकल जाता है। जंकुक कहता है, तेई तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। जंकुक ड्राइवर से हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। तैयंग का बैक पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है। जंकुक तैयंग को ऐसी हालत में देखकर डर जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे अभी क्या करना चाहिए। जंकुक आयन और तेजिया के वजह से रो भी नहीं पा रहा था। जंकुक बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। तैयंग को बहुत ज़्यादा पसीना आने लगा था। जंकुक कांपती हुई हाथों से जेब में हाथ डालकर हैंडकिल निकालने लगता है तैयंग के फोरहेड से पसीना वाइप करने के लिए। तब तैयंग उसका हाथ पकड़ लेता है और धीरे से विस्पर करके कहता है, आई एम फाइन, डोंट वरी। तुम पैनिक मत करो, डॉक्टर जिन को कॉल करो, उसे कहो मेंशन आने के लिए। जंकुक रोते हुए कहता है, हाँ ठीक है। तैयंग कहता है, डोंट क्राई, मैं ठीक हूँ। आयन और तेजिया तुम्हें इस हालत में देखकर डर जाएगा, दोनों नींद से नहीं जागना चाहिए, अंडरस्टैंड? जंकुक कांपती हुई हाथों से जिनके नंबर डायल कर कॉल रिसीव होने का वेट करने लगता है। जैसे ही जिन कॉल रिसीव करता है, जंकुक रोते हुए कहता है, तेई को फिर से बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, प्लीज़ अब जल्दी से मेंशन आ जाए। जिन कहता है, नहीं तुम उसे अभी हॉस्पिटल लेकर आओगे, आज मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता, वो बहुत ज़्यादा जिद्दी है। तैयंग कभी अपने हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, पता नहीं अभी वो कौन सी स्टेट में है। मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, तुम कुछ भी करो उसे जल्द से जल्द यहाँ ले आओ। जंकुक कहता है, ठीक है। जंकुक कॉल काट कर तैयंग के तरफ मुड़ते ही देखता है, तैयंग अपने सिर उसके कंधे में रखा हुआ है। जंकुक एक हाथ तैयंग के फेस पर रख कर हल्के हाथों से रब करते हुए कहता है, तेई तुम्हें कुछ नहीं होगा, ओके तुम हिम्मत मत हारना। लेकिन उसे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। जंकुक
फिर से रब करते हुए कहता है, तेते तेंको सेंसलेस होते देख जोंगकुक डर कर फिर से जिन को कॉल करता है। जिन से बात कर जोंगकुक जिमिन को कॉल करता है। ह्योंग तेंके तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया है और वो अभी बेहोश हो गया है, मैं उसे लेकर हॉस्पिटल में जा रहा हूँ। जिमिन कहता है, ठीक है तुम पैनिक मत करो, मैं अभी योंगी को लेकर हॉस्पिटल आ रहा हूँ। दूसरे तरफ शाओसन इबो को अपने सामने घुटनों के बल बैठा हुआ देखकर शांत हो जाता है। शाओसन नोटिस करता है इबो के हाथ में एक रिंग बॉक्स है, तभी उसे एक लाउड साउंड सुनाई देता है। सरप्राइज, जान तुरंत उस डायरेक्शन के तरफ देखता है, ये और कोई नहीं जान के फादर मिस्टर शाओ है। जान कॉन्फ्यूजिंगली इबो के तरफ देखता है और एक बार अपने फादर के तरफ देखता है। जान बहुत ही ज़्यादा शॉक में था और सरप्राइज भी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह क्या चल रहा है। जान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसके आंखों से इमोशंस आंसू बनकर बाहर आने लगता है। जान दोनों हाथ ऊपर कर माउथ कवर कर लेता है क्योंकि वो इबो के सामने रोना नहीं चाहता है। इबो जान के सामने एक हाथ आगे कर देता है। शाओजन हाथ नीचे कर इबो के हाथ में रख देता है। जान के बॉडी अभी भी ट्रेम्बलिंग कर रहा है। इबो टाइटली जान के हाथ अपने हाथों में होल्ड करके कहता है, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूँगा, कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, अपने जान से भी ज़्यादा तुम्हें और हमारे बेबी को प्रोटेक्ट करूँगा, तुमसे हर दिन और भी ज़्यादा प्यार करूँगा। जान क्या तुम मुझसे शादी करोगे, विल यू मैरी मी? जान कहता है, आवर बेबी? इबो कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम ये बात डॉक्टर से छुपा लोगे? मे भी तुम ये भूल गए हो कि मैं एक डॉक्टर हूँ। जान अपने फादर के तरफ देखता है। मिस्टर श्याव कहता है, मैंने कुछ भी नहीं बताया। वो कहता है, उस रात तुम मुझे क्लब से अपने घर ले गए थे और मैं खुद को जिस हालत में देखा था तब मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन तुम्हारे रेस्टोरेंट में सिक हो जाना और चेक करने के बाद प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। आई नो वेरी वेल कि तुम्हारे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, सॉरी तुमसे पूछे बिना ही मैंने बच्चे के डीएनए टेस्ट करा लिया था ये चेक करने के लिए कि मैं सही हूँ या फिर गलत, मैं जो सोच रहा हूँ ये किस हद तक सही है, लेकिन रिजल्ट देखकर मैं और भी ज़्यादा सरप्राइज हो गया जब देखा डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया और तुम रिसेंट प्रेग्नेंट नहीं हो, तुम्हारी प्रेगनेंसी की ऑलरेडी मंथ कंप्लीट हो चुका है। मुझे अभी तक ये सब कैसे हुआ ये तो याद नहीं है, लेकिन मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागना चाहता। शाओजान कहता है, इबो मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता, आई नो तुम जोंगकुक से प्यार करते हो। वांग इबो कहता है, क्या तुम मेरी किट को मुझसे दूर रखना चाहते हो? जान क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो और सब कुछ भुला कर मेरे साथ एक फ्रेश स्टार्ट नहीं कर सकते हो तुम? शाओजान अपने फादर के तरफ देखता है। मिस्टर शाओ स्माइल करता है। जान के फेस पर एक बिग स्माइल आ जाता है। जान मुस्कुराते हुए बहुत ही क्यूट और एडोरेबल लगता है। जान हाँ में सिर हिलाते ही इबो बॉक्स ओपन कर उसके अंदर से डायमंड का रिंग निकाल लेता है और जान के फिंगर में डालते ही फूलों की बारिश होने लगता है उन दोनों के ऊपर और साथ में आतशबाजी भी होना शुरू हो जाता है। जान और इबो एक दूसरे को टाइटली हक कर लेता है और सामने वाली स्क्रीन पर एक मूवी प्ले हो जाता है। ये मूवी जान से इबो की पहले मीटिंग से लेकर अब तक की सभी वीडियो क्लिप ऐड है। जान रोते हुए कहता है, आई लव यू इबो, मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, थैंक यू मुझे मेरी खुशियाँ लौटाने के लिए। इबो कहता है, अब डिनर करें प्लीज़ मिस्टर श्याओ, सिट डाउन, अभी शादी के लिए आपसे भी तो परमिशन लेना है। तीनों बैठकर डिनर करने लगता है। जान कहता है, इबो मुझे नहीं लगा था तुम इतना रोमांटिक निकलोगे। जोंगकुक आयान और तेसिया को मेंशन में ओल्ड मिसेस किम के पास छोड़ने के बाद हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। जोंगकुक भागते हुए अंदर जाने लगता है तभी वो जिन से टकरा जाता है।
और जिन उसे गिरने से बचा लेता है। जोंगकुक कहता है आई एम सो सॉरी वो मैंने। जिन कहता है इट्स ओके। जोंगकुक कहता है डॉक्टर जिन तेई। जिन कहता है अब तेई ठीक है, टेस्ट कर लिया गया है, रिपोर्ट कल सुबह तक आ जाएगा। अभी उसका पेन कम करने के लिए उसे दबा दिया गया है। जोंगकुक कहता है क्या उसने मेरे बारे में पूछा है। जिन कहता है नहीं, वो अब तक बेहोश है। मैंने नर्स को तैयांग के कपड़े उतार कर गीले कपड़ों से अच्छे से उसके बॉडी को वाइप करने के लिए कह दिया है। मे बी इससे उसे थोड़ा आराम मिल जाए। नर्स तैयांग के क्लोथ रिमूव करने वाली है। जोंगकुक ये सुनकर ऑलमोस्ट जिन के ऊपर चिल्ला देता है क्या आर यू मैड डॉक्टर जिन। डॉक्टर जिन आप ऐसा कैसे कर सकते हो। जोंगकुक भागते हुए तैयांग के वार्ड में एंटर करता है। जोंगकुक को इस तरह से अंदर आते देख नर्स डर जाती है। जोंगकुक देखता है नर्स को जो तैयांग के शर्ट अनबटन करने में बिजी थी। जोंगकुक तूफान के तरह नर्स के सामने आकर खड़े हो जाता है और टाइटली नर्स के हाथ पकड़कर पीछे की तरफ पुल करके कहता है डोंट टच। नर्स कहती हैं आपको अंदर किसने आने दिया और आप मेरे काम में प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हो सर, प्लीज़ बाहर जाइए। जोंगकुक कहता है ये जो हैंडसम सा आदमी बेड पर लेटा हुआ है ये मेरा हस्बैंड है। कौन है। हस्बैंड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की। हटो एक काम मैं भी कर सकता हूँ, तुम अब जा सकते हो। नर्स कहती हैं ओ तो आप ही वो पागल हो। जोंगकुक कहता है व्हाट। नर्स कहती हैं कमरे के बाहर जो आदमी खड़ा है उसने बताया था कि इस हैंडसम मैन के जो पार्टनर है वो पागल है। जोंगकुक गुस्से में नर्स के तरफ देखने लगता है। नर्स जोंगकुक से अपनी जान बचा कर भाग जाती है। तभी तैयांग अपने डीप वॉइस में कहता है लिटिल म्यूट। जोंगकुक कहता है तेई तेई क्या तुम ठीक हो। तैयांग कहता है तुमसे कहाँ था ना मेंशन में डॉक्टर जिन को बुलाने के लिए, मुझे हॉस्पिटल में रहना अच्छा नहीं लगता। जोंगकुक रोते हुए तैयांग पर गुस्सा करने लगता है शट अप तुम कोई किड नहीं हो किम तैयांग, अब तो थोड़ा मैच्योर बिहेव करो, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। तैयांग कहता है आह यू हार्ट मी कुकी तुम मुझे मार क्यों रहे हो। जोंगकुक कहता है शट अप बात मत करो तुम। जोंगकुक तैयांग को अनड्रेस करने लगता है। तैयांग उसका हाथ पकड़ कर कहता है माई लिटिल हस्बैंड मैं हॉस्पिटल के बेड में हूँ इसलिए तुम मेरे मजबूरी का फ़ायदा उठाकर मेरे साथ गलत करने के बारे में सोच रहे हो। छी। जोंगकुक कहता है हाँ अब मैं तुम्हारे साथ यही करूँगा। तैयांग नाटक करते हुए कहता है हेल्प बाहर कोई है, ये आदमी पागल हो चुका है और ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। जोंगकुक तैयांग के सीने में पंच करके कहता है अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो वो नर्स तुम्हें इस हालत में देख लिया होता। तैयांग कहता है लगता है कुछ जल रहा है, आर यू जेलस बेबी बॉय। जोंगकुक कहता है हाँ मेरा दिल जल रहा है, मैं हूँ जेलस बिकॉज यू आर माइन ओनली। तैयांग कहता है नर्स करती तो ज़्यादा अच्छा रहता, वो मुझे इस पंच तो नहीं करता। जोंगकुक कहता है अच्छा तो ये बात है। एक कहकर जोंगकुक उसे फिर से मारने लगता है। जोंगकुक का हाथ अचानक रुक जाता है जब तैयांग के लिप्स उसे अपने लिप्स के ऊपर महसूस होता है। उसका सिर चकराने लगता है। जोंगकुक टाइटली तैयांग के शोल्डर पकड़ लेता है लेकिन जब उसे डॉक्टर की बात याद आ जाता है जोंगकुक किस ब्रेक कर तैयांग को पीछे की ओर पुश करता है। तैयांग जोंगकुक के एक्शन से शॉक था। जोंगकुक बेड से उतर कर जाने लगता है तभी तैयांग कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, एटलीस्ट अपने हस्बैंड को पैंट वेयर करने में मदद तो कर दो, तुम अपने हस्बैंड को इस तरह से नेकेड कैसे छोड़ सकते हो। जोंगकुक कहता है तुम्हारे हाथ बिल्कुल ठीक है और अच्छे से काम भी करता है, थोड़ी देर पहले तुमने ये प्रूफ कर दिया है। मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि तुम अपने सेंस में नहीं थे, अब तुम खुद पहन लो। तैयांग कहता है नहीं मैं बहुत टायर्ड हूँ, कोई बात नहीं मैं नर्स को अंदर बुला लेता हूँ। जोंगकुक कहता है लगता है आज मैं सच में किसी का मर्डर करके कातिल बनने वाला हूँ। ओके गाइस तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ और हाँ शायद आपको पता चल गया होगा क
का नेक्स्ट पार्ट इस स्टोरी के फाइनल पार्ट होगा। ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।